पिकनिक का प्लान तो हमने कब का कैंसिल कर दिया? तो ये अचानक क्यों कैंसिल कर दिया आप लोगों ने? हाँ यार, शिजा की वजह से। वो आजकल कोई वजह है उसके साथ, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेके उसने पिकनिक का प्लान कैंसिल किया। क्यों? मैं क्यों नहीं नौकरी कर सकती? तैयार भाभी तो नौकरी कर रही है। अच्छा, तो ये बातें हो रही थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, जिस बात का पर्दा रखा जा रहा था, और आप लोग तो इस तरह डर रहे हैं जैसे मैंने आप लोगों की कोई चोरी पकड़ ली हो। नादान औरत, तुझे मैंने कितनी बार कहा था जल्दी कर, जल्दी कर। बाबा जी, और कितनी जल्दी करूं? मैं जल्दी तो कर रही हूं। जबान चलाती है मुझसे? नहीं नहीं बाबा जी, भूल हो गई, माफ कर दे मुझे। तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। रहम बाबा जी, रहम। तुझसे अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं मांगा था ना? नहीं नहीं बाबा जी, कभी भी नहीं। आप तो मेरी मदद कर रहे हैं। बता फिर, तूने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने बाबा? चली जा यहां से, नहीं करता मैं तेरा काम, उठ जा। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा मत करे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे बाबा जी, प्लीज माफ कर दे। तुझे कहा ना, उठ जा, नहीं करना मुझे तेरा काम, चली जा यहां से। कहां जा रही है? वो बाबा जी, आपने तो कहा है कि चली जा, तो इसलिए जा रही हूं। वो हमने नहीं कहा, तेरी सोकन के कराए हुए जादू कह रहा था वो। है? आप पे भी काला जादू चल गया? अरे, उस मनहूस ने आप पे भी जादू कर दिया। काट करते हुए अक्सर ऐसा हो जाता है, तू फिकर ना कर, हम देख लेंगे। और जो तूने देर की है उसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। मगर कैसे बाबा जी, कैसे होगा ये सब? नादान औरत, तुझे मैंने कितनी बार कहा था जल्दी कर, जल्दी कर। रहम बाबा जी, रहम। तुझसे अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं मांगा था ना? अरे, उस मनहूस ने आप पे भी जादू कर दिया। काट करते हुए अक्सर ऐसा हो जाता है, तू फिकर ना कर, हम देख लेंगे। और जो तूने देर की है उसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अब क्या करूंगी मैं? 10,000 तो आराम से मेरे हाथ में कर दिए, लाखों कहां से लाऊं? अल्लाह, अगर मेरा इलाज वक्त पे ना किया गया तो जान भी जा सकती है। अब क्या करूं? क्या बात है नब्बू, बड़ी गहरी सोच में गुम हो? अरे क्या हो गया नब्बू, तुम रो क्यों रही हो? साधन, नब्बू
तुम कुछ कह रही थी। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अम्मा की याद आ रही है इसलिए रो रही हूँ। इतने सालों में पहली बार तुम्हें अम्मा की याद में रोना कब से याद आ गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सदन बस करो, होता है ना, बात को पकड़ मत लिया करो। सही कह रही हूँ। तुम भी ना नब्बू, आप मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? तुम्हारे चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट देखकर इसीलिए तो मुस्कुरा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया शिजाबाजी, आप तो हमेशा ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। हाँ भाई, क्यों ना करूँ तुम्हारी तारीफ, तुम मुझे लगती ही इतनी अच्छी हो। और एक बात और, 5 बजे की फ्लाइट से हसन वापिस आ रहा है। जी शिजाबाजी, मेरी बात हुई थी हसन से, उन्होंने बताया मुझे, बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए। आपको पता है बहुत बेचैन हो रही हूँ मैं, जल्दी से अपने हसन को अपनी आंखों के सामने देख लूँ। ओहो, तुम तो तैयार हो रही थी ना, मैंने तुम्हें आके डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं शिजाबाजी, आप कहाँ मुझे परेशान करती हैं, बल्कि आप तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आज से मेरी ये भी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारा हस्बैंड जो आ रहा है। हाँ अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। अच्छा तो नीलू अब नौकरी करेंगी, ये बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। बड़ी चलाक है ये माँ बेटी, जरा भी हवा लगने नहीं दी मुझे। वैसे नीलू क्या खाक नौकरी करेगी, घर तो संभाल नहीं सकती, नौकरी क्या करेगी। वाकई जलन और हसद की हद होती है, मेरी बराबरी करेगी ये नीलू, पागल कहेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरी बराबरी करेगी, बड़ा शौक चढ़ा है ना नौकरी का। और अम्मा को तो देखो कैसे अपनी बेटी का साथ दे रही है। उफ खुदाया, तो मेरे पीठ पीछे ये प्लानिंग हो रही थी। सादत साहब, जिस तरह आपने डिपार्टमेंट को टेक ओवर करके सारी चीजें मैनेज की हैं, आई मस्ट से आई एम रियली इंप्रेस्ड, यू हैव डन अ गुड जॉब। अरे नहीं नहीं मिनाज साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो वही किया जो मेरी जिम्मेदारी थी, बल्कि सही मानों में देखा जाए तो माहौल मेरे लिए कुछ नया था, नहीं तो बहुत पहले का आपको सब चीज़ें मैनेज करके देता। हर चीज़ का एक वक्त होता है मेरे दोस्त, और जितने टाइम में आपने जो कुछ किया है, आर कंपनी इज़ रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच, मुझे तो रह रहकर बस अल्लाह का शुक्र अदा करना याद आता है कि वो कैसे लोगों के लिए वसीले बनाकर भेज देता है। ना उस दिन मुझे फ़ोन आता, ना मैं खुशी के मारे सड़क पार करता, और ना ही सादत तुम्हारी टक्कर होती इनकी कार के साथ। नहीं नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, और देखा जाए तो बात सही भी है। वही तो, बस सादत को तो मुझे डांटने के लिए बहाना चाहिए। मैं तो ये बता रही थी कि वो मैं चाय लाई थी तुम दोनों के लिए, और वो बॉस है मम्मी। इट्स ओके, बॉस मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ मैं आपका दोस्त हूँ। क्या कहनी थी आप? मैंने क्या कहना है, मैं तो जब भी बोलने लगती हूँ कोई बोलने ही नहीं देता मुझे। वैसे मैं ये बता रही थी कि मैंने चाय के साथ ना हलवा बनाया, लेकिन इनको तो मेरा बिल्कुल एहसास ही नहीं है। हलवा बनाते हैं तो मेरे हाथ भी जल गए, क्या करूँ, मेरा एहसास नहीं करते ये, या उस लाडली का एहसास सारा करते हैं, क्या बताऊँ मैं। वो खुदा के लिए चुप हो जाए,
कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। और जाओ ले आओ हलवा। और ये मैसेज किसका आ गया? लो सिद्रा भी फ्री होगी। अब सिद्रा को ना लेने चले जाइएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे आएगी वो? जैसे गई थी ना वैसे ही आ जाएगी। मीना सर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं बस सिद्रा को लेके आता हूं। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप मेरी गाड़ी ले जाए। थैंक यू वेरी मच, मैं बस आ रहा हूँ। नब्बू हलवा खिलाओ। जी हसन, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाकी सबसे तो आप कुछ ही घंटों में मिल लेंगे। ठीक कह रहे हैं हसन आप, आपको पता है मैंने ये दिन किन किन कर गुजारा है। खैर अब हमारी खुशी की घड़ी आ ही गई है, अब हमारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा हसन ये तो बताएं आपकी फ्लाइट कब की है? ठीक है हसन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ध्यान से जाइएगा। ठीक है बाद में बात कर लेंगे, अल्लाह हाफिज़। कोई नया तूफान ही ना खड़ा हो जाए। नीलू तो मेरी बात सुन ही नहीं रही, मदद भी उस शख्स से मांग रही है जिससे हारून चिढ़ता है। कैसे समझाऊं मैं इसे? अगर हारून को पता चल गया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। या अल्लाह मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इस मामले को खुद ही खत्म कर दूं? हाँ मैं राजा से बात करती हूँ और उसे नीलो की नौकरी करवाने से मना कर देती हूँ। अरे नीलो तो ना समझे, उसे तो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। हाँ मैं राजा से बात करती हूँ और उसे कहती हूँ कि नीलो को नौकरी ना करवाए और उसे पता भी ना चलने दे। हाँ यही फैसला ठीक रहे। ये औरत कब सुधरेगी? कब इसे समझ आएगा कि किसी के सामने क्या बात करनी? वो तो मिन्हाज साहब हैं जो उसकी हर नादानी को नजरअंदाज कर देते, वरना कोई और हो तो अल्लाह रहम करे मेरे हाल। और सिद्रा उसने भी नहीं छोड़ना मुझे, आगे कुआं पीछे खाई, मेरा तो अल्लाह ही मालिक। आ रहा हूं ना यार, क्या मसला है यार? ये दोनों तो मुझे मरवा कर ही दोगे। हेलो राजा भाई, कैसे हैं आप? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं आपको ही कॉल लगाने वाला था कि आपकी कॉल आ गई। अच्छा वो मेरी नौकरी का कुछ हुआ? अरे नहीं नहीं भाभी, आपसे पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि आपने हारून से इजाजत ली या नहीं। नहीं उनसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन राजा भाई आप मेरी नौकरी का कुछ करवा दें, मुझे हर हाल में नौकरी करनी है। अच्छा तो ये खिचड़ी पकाई जा रही है। हेलो जब मुझे तुम पे शक होता जा रहा था, हम्म, तो
तुम अब नौकरी करोगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हारून, मैं आपको बताने ही वाली थी। बस नीलो बस, झूठ की भी हद होती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली उस तुम्हारे राजा भाई वाली, समझी? और अगर तुम इस घर से निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? मेरा फोन, अम्मा, कैसी लगी खीर? इतनी अच्छी खीर सिर्फ एक बहन ही बना सकती है। तो और लो ना। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता। पसंद नहीं आई ना? दरअसल इसकी मिठास के पीछे जो आपका गम है उसको मैं फरामोश नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। जो लोग साफ गो हों उनको गलत बयानी जेब नहीं देते। हाँ मैडम, मैं वाकई परेशान हूँ। क्यों, क्या बात? आदत ने तो कुछ नहीं कहा। यही तो बात है, आदत कुछ कहते ही नहीं। तो फिर क्या मसला? मसला तो एक ही है, जो हलक में मेरे कांटे की तरह फंसा हुआ। मैंने बहुत सबर किया लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया। हेलो जी, सादत साहब जी, आप वहीं रुकिए, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हुआ? अब हम बाद में बात करेंगे, मुझे भी जाना है। हुआ क्या? अम्मा, ओ अम्मा, अच्छा तो तुम यहां सो रही हो? अरे नहीं, क्या बात हो गई? अम्मा आपने ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने और नीलो ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात? हमने तो कुछ नहीं छुपाया। बस कर दे अम्मा, अब मजीद ड्रामेबाजी ना करें मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने और नीलो ने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। तुमने और नीलो ने मुझसे ये छुपाया कि राजा नीलो के लिए जॉब ढूंढ रहा है, वो मकार राजा नीलो को जॉब पे लगवाएगा। अम्मा उस मकार ने तो इतना बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ, अब तुम्हें उस राजा की बातों में सदाकत नजर आ रही है ना, और मेरी बातों में कुछ नहीं? बेटा मैं सच कह रही हूँ, वो तो राजा ने ऐसे ही कह दिया था नीलो को, और मैं तो बस। बस कर दे अम्मा बस, बहुत सुन ली मैंने और बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं भी देखता हूँ कि वो राजा इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश कैसे करता है। टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी, उसकी शक्ल तक मुझे पसंद नहीं है। और अम्मा उस नीलो को समझाओ बेवकूफ कहीं की, कि राजा की बातों पे अमल ना करे। मैं भी देखता हूं कैसे जॉब करती है वो। तुमने और तुम्हारी बेटी ने ना मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है, सो जाए अब। अरे बेटा बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम बखत को भी ना। जी तो चाहता है तुम्हारा वो हॉल करूं कि तुम याद रखो, ज्वेलर कहीं भी नहीं। नब्बो नहीं, मुझे उस वक्त तक खुद को अनजान रखना होगा जब तक मेरा इलाज बाबा मुकम्मल नहीं कर लेते। जब इस पिछल पैरी का दाव बाबा पर चल गया तो मैं किस खेत की मूली हूं? हाँ जी ना, तुझे इस खेल में और जीतने दो, ऐसा तो कभी नब्बो होने नहीं देगी। मेरे लिए मौत की ताबीज लिखवा रही, कबख्त मारी, तुझे मौत ही क्यों नहीं आ जाती, मरे क्यों नहीं जाती तू?
वैसे नीलू को क्या शौक चढ़ा है? कैसा शौक? अदाकारी आप खूब कर लेती हैं। आप सब जानती हैं कि मैं नीलू की नौकरी की बात कर रही हूँ। अब तो सादत की नौकरी भी नहीं है, मैं कहाँ से जोड़ूंगी? क्या जेवर? जेवर? ये तुम किससे जेवर की बात कर रही हो? रात से दिन को निचोड़े।